ओके जैसे मित्रों अभी हम मेरे YouTube चैनल लाइव है और अभी मैं जो डेस्टिंग करने जा रहा हूँ वो लाइव वीडियो आप देखने के लिए जा रहे हो। अभी देखो यहाँ पे सब पब्लिक खड़ी हुई है जो कि यहाँ से स्नेक कॉल आया है जो कि ये लोग बता रहे हैं कि इसके नीचे शायद चला गया है क्योंकि मैं इसको निकालने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे भी पता नहीं अभी कि इसके नीचे स्नेक कौन सा हो सकता है, शायद मैं अंदर लगा सकता हूँ यानी कि वाटर स्नेक हो सकता है या फिर इंडियन स्नेक कोबरा हो सकता है। चलो फिर देखते हैं ये कौन सा वाला है। माय गॉड, आप देख सकते हो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। आप देख सकते हो, आप देख रहे हो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा माल ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पे ये अपना फन फैलाता है। आप देख रहे हो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा क्योंकि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत देख रहे हो आप। इसकी साइज भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है जो कि ये एशिया खंड में बिग फोर स्पीशीज नाम से जाना जाता है जो कि एशिया में जो चार जहरीले सांप पाए जाते हैं उसमें से ये एक सांप है जो कि ये बहुत ही खतरनाक स्नेक है जो कि इसमें हीमोटॉक्सिक नामक जहर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। जो इंसान में जब चाह जाता है तब जो अपना न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है जिसके कारण इंसान अपनी वो सवास खो बैठा है और वो हवा में चला जाता है जो कि इससे काटने से आप तुरंत अस्पताल जाओगे तो फिर आप बच सकते हो क्योंकि इसकी अभी दवा के आप असर से बच सकते हो। पर यदि आप कोई भी तांत्रिक के पास जाओगे या फिर बुआ के पास जाओगे तो फिर आपको मरना तय है क्योंकि इसकी दवा प्रॉपरली करवाने से ही आप बच सकते हो। तो कृपा करके मेरी आप सबसे यही विनती है जो कि ये जहरीले सांप है जो कि इसके कारण इससे काटने से आप कभी भी कोई मंदिर में या फिर कोई तांत्रिक के पास न जाए और तुरंत अस्पताल चले जाइए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्नेक है। ओके और हम इसको ऐसी जगह पर छोड़ेंगे जहाँ पर ह्यूमन इसके संपर्क में आए और ये भी संपर्क में आए और ये अपना थैंक यू। ओके वेलकम बैक। अभी देखा आपने कि जो मैं जो हर बार जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ वो 100% लाइव होता है क्योंकि मेरे को कॉल आता है और मैं जाता हूँ और फिर मेरे साथ में लेकर आता हूँ कैमरामैन जो लाइव वीडियो अपना रिकॉर्ड करता है। जो भी देखा आपने कि उस टाइम लाइव रिकॉर्ड किया और मैंने आपको दो दिया था गेस करने के लिए कि शायद कोबरा होगा या फिर शायद वो वाटर स्नेक होगा, मैंने आपको दो बोला था। तो फिर ये जो निकला है वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा क्योंकि मेरा शक सही निकला है जो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। अभी देख रहे हो आप कि ये अपनी जो फन फैला कर बैठ गया है इसमें क्योंकि इसकी पहचान है बहुत ही जहरीला स्नेक है, इसलिए कृपा करके आप इससे दूर रहे। ये जो मेरा वीडियो है वो ये सिर्फ आपको चेतावने के लिए दिखाई दे रहा हूँ और दूसरी बात कि आपको इससे अच्छी अच्छी माहिती मिले और आप इससे अवेयरनेस हो जाओ और इसको मारें ना क्योंकि अगर आप इसको जानेंगे पहचानेंगे तो आप इससे ऑब्वियसली दूर रहेंगे और इसकी भी आप रक्षा करेंगे और आपसे यह दूर होगा तो फिर आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप देख रहे हो अभी आपको दिखाई शायद आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ही यहाँ पे घना कोहरा छाया है। अब देख रहे हो कि एकदम साइलेंट लाइटली आपको मेंढक की आवाज़ सुनाई दे रही है, सुन सकते हो आप? यस। तो फिर ये इसके लिए बहुत ही सही है, देख सकते हो यहाँ पे पानी भी है बहुत सारा, यहाँ पर नमी भी बहुत सारी है जहाँ पर इसको अच्छे से खाना और अच्छे से पानी मिल जाएगा। तो फिर हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे जिससे ये अपना विकास कर सके और आगे बढ़ सके। अब देख रहे हो